महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी, यहूदी, जू, ये सब अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से शिष्यवृत्ति में कुछ बदलाव किए हैं। पहले माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में सिर्फ 25,000 रुपये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी, अब इस साल से इसमें इजाफा हुआ है। मैं सभी स्टूडेंट से, माइनॉरिटी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप जिस कॉलेज की फीस 50,000 से ज़्यादा होंगी, उस कॉलेज को आप माइनॉरिटी फॉर्म ही भरें, ताकि आपको ट्यूशन फीस 50,000 रुपये गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र राज्य सरकार से रिटर्न आएंगी। जैसा आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र शासन का जीआर है अल्पसंख्यक विभाग से, महाराष्ट्र शासन निर्णय, ये जीआर क्रमांक है और ये रिलीज़ हुआ है दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को। अब मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे एक दिया है जो कि कृषि विद्यापीठ पदवी पदविका यानी डिप्लोमा और डिग्री, इस अभ्यासक्रम के दसवीं के बाद जो डिप्लोमा और बारहवीं के बाद जो डिग्री कोर्सेज रहते हैं, उन कोर्सेज के लिए यहाँ पे 50,000 रुपये फीस आपको आपके अकाउंट में आ जाएंगी। और जो बारहवीं के बाद के जो कोर्सेज है, जैसा आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आईटीआई एक्सेट्रा, इनकी फीस अगर 5,000 से कम है तो वो भी मिल जाएंगे आपको, 5,000 आपके अकाउंट में शिष्यवृत्ति जमा हो जाएंगी। बारहवीं के बाद के जो भी आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आईटीआई, जो भी अभ्यासक्रम है, जो भी कोर्सेस है, उन कोर्सेस के लिए ट्यूशन फीस और परीक्षा फीस ऐसे मिलाकर आपको 5,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अब ये जो स्कॉलरशिप आने वाली है तो वो डीबीटी पोर्टल के द्वारा आने वाली है, उसीलिए आपको डीबीटी पोर्टल पे आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, ओटीपी आता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। माइनॉरिटी जमा होंगी आपके अकाउंट में, वो दो इंस्टॉलमेंट में आएंगी। पहला हफ्ता जो है, पहला इंस्टॉलमेंट जो है 50% आएंगी, जो भी आपकी कॉलेज की फ़ीस है वो कॉलेज की ट्यूशन फीस के 50% आपको पहले इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको दूसरे इंस्टॉलमेंट में 50% आपको मिल जाएंगी। ऐसे करके पूरी अमाउंट आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगी। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता चाहिए वो भी हम देखेंगे। स्टूडेंट मान्यता प्राप्त कॉलेज से प्रवेशित होना चाहिए, यानी कि आप कैप राउंड से आपका इसमें आपकी जो अटेंडेंस है एडमिशन लेने के बाद 75% अटेंडेंस कॉलेज में होना ज़रूरी है। आपको 2 साल से ज़्यादा अगर आप फेल होंगे तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेंगी। इस स्कॉलरशिप के लिए आपके वालिदैन का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, आप महाराष्ट्र राज्य के रहवासी होना चाहिए, जैसे डोमासाइल सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र यहाँ पे दिया है। इस योजना का अगर लाभ लेना है, इस शिष्यवृत्ति योजना का लाभ लेना है, तो आपका इनकम, आपकी जो भी इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए।
ये स्कॉलरशिप का फॉर्म आप डीबीटी डीबीटी पोर्टल पे भर सकते हैं। आपको डीबीटी पोर्टल पे ये स्कॉलरशिप फॉर्म, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है। और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने के लिए पहले ऑनलाइन महाडीबीटी पोर्टल पे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है ऑनलाइन के ज़रिए, और ऑनलाइन प्रिंट उसकी निकालना है पूरा फॉर्म भरने के बाद में। फिर उसके बाद आदिवासी प्रमाण पत्र यानी डोमासाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। मार्कशीट जो ओरिजिनल रहते हैं, मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी भी आपको सबमिट करना है। कॉलेज में सबमिट है तो ऑनलाइन लगाने के लिए आपको स्कैन कॉपी ज़रूरी है। उसके बाद में आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, और सेल्फ डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे जोड़ना है इसके साथ में। फिर लास्ट में जो हम जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज का बोनाफाइड या रिसिप्ट जो भी है, फीस भरी हुई रिसिप्ट आपको यहाँ पे लगाना है फॉर्म के साथ। इस तरीके से आप फॉर्म भरकर आपके कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। और एक बार बताना चाहूँगा मैं कि आपको इस साल से 50,000 रुपये इस शिष्यवृत्ति के लिए, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए मिलेंगी। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर सके। और आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।